नाम चेंजिंग को लेकर कुछ प्रयास हुए हैं कानपुर देहात में? ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और राजस्व परिषद के पर्यवेक्षण में पूरे प्रदेश में वरासत के प्रकरणों को चिन्हित करके निर्विवाद वरासत के मामलों को दर्ज किया जा रहा है। इसी में एक ये महत्वपूर्ण विषय माननीय राजस्व परिषद के माध्यम से जनपद कानपुर देहात को प्राप्त हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में जानकारी मिलने पर श्री राकेश नाथ वाजपेयी द्वारा एक शिकायत उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की हेल्पलाइन पर दूरभाष के माध्यम से की गई, जिसमें उनका दूरभाष नंबर 8141441353, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि मेरे पिताजी की मृत्यु 2000 में हुई थी और वरासत दर्ज करते समय उनका नाम राकेश नाथ के स्थान पर राकेश कुमार लिखा गया था। यह प्रकरण संदर्भित हुआ, राजस्व परिषद से हमारे पास आया, हमने इसको तहसील मैथा में भेजा। तहसील मैथा ने इस पर सरसरी रिपोर्ट लगाकर यह मुझे प्रेषित किया कि इनका प्रकरण वरासत से संबंधित नहीं है बल्कि नाम की त्रुटि से संबंधित है। मैंने उसको गंभीरता से लिया और उस पर लिखा कि नाम की शुद्धि कराकर शुद्धिकृत नाम की खतौनी इनको उपलब्ध कराई जाए, यदि साक्ष्य प्राप्त करना है तो वो साक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। आज इस पूरे प्रकरण में चूंकि शिकायतकर्ता श्री रामनाथ असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में कार्यरत हैं और सरकारी व्यक्ति हैं, सरकारी सेवा में हैं, उनसे उनके गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो सरकारी सेवा का आइडेंटिटी कार्ड है वो लिया गया। गुजरात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ मतलब गुजरात द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का संबंधित विधानसभा का फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और इन सब में इनका नाम राकेश नाथ पुत्र भगवती प्रसाद था, तो उनके आधार पर इनका नाम दर्ज किया गया है आज और ये 21 वर्ष बाद ये त्रुटि का निराकरण हुआ है। तो इससे स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, योगी जी के निर्देश पर और राजस्व परिषद के पर्यवेक्षण में यह एक महत्वपूर्ण अभियान है और इसमें तमाम ऐसी दिक्कतें दूर की जा रही हैं जो काफ़ी लंबी वर्षों से लंबित थी। अभी पूर्व कल भी देखा आपने कि एक 2019 में उसकी डेथ हुई थी, मृतक दिखाकर उनका नाम गलत दर्ज कर दिया था। इसके पहले एक व्यक्ति ने जिंदे को मृतक दर्ज कराकर दूसरे व्यक्ति ने उसमें ट्रैक्टर लोन ले लिया, वो सारे प्रकरण की जांच करने पर पाया गया और उनका नाम दुरुस्त कराया गया, FIR दर्ज कराई गई। तो तमाम तरीके से जनपद कानपुर देहात में ये प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे राजस्व अभिलेखों में जो इस प्रकार की त्रुटि हैं उनको ठीक किया जाए और इस अभियान में सभी अधिकारियों द्वारा तत्परता से काम भी किया जा रहा है। मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ कि ऐसी जो भी समस्याएँ हों उसको जनता दर्शन में आप दे सकते हैं या ईमेल के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं और यह सारी चीज़ें समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में फैल रही है, तो उस समाचार पत्रों के माध्यम से भी जो प्रयास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस प्रचार प्रसार के लिए किए हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें बहुत ही सराहनीय काम जनपद कानपुर देहात में किया जा रहा है। मैं सभी अधिकारियों का और विशेष रूप से प्रचार प्रसार में सहयोगी अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।